ओके तो बच्चे कल की तरह ही आज भी दोहराई शुरू कर रहे हैं हम। कल हमने की थी मनुष्यता कविता, 8 पैराग्राफ्स हमने एक-एक पैराग्राफ को छांट के अलग-अलग करके सारे पैराग्राफ्स किए थे। और आपको मालूम है आठों के आठों पैराग्राफ्स में कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछा जा सकता है, ठीक है। पर्वत प्रदेश में पावस, देखो 3 कविताएं इस लेसन उसमें चुनी है हमारी सिलेबस में, और तीनों बिल्कुल डिफरेंट लिए हुए हैं, है ना। एक कविता है मनुष्यता, मतलब नैतिक मूल्यों पे। दूसरी कविता है पर्वत प्रदेश में पावस, सौंदर्य पे, है ना, प्राकृतिक सौंदर्य पे। तीसरी कविता है कर चले हम पिता, देशभक्ति पे। यानी सिलेबस चुनते हुए उन्होंने कितने ध्यान से उनमें से चीजें चुनी हैं, तीनों अलग अलग टॉपिक। उसके बाद है हमारा लेसन है पतझड़ की टूटी पत्तियां, मतलब आजकल हम मेंटल टेंस्ड है तो कैसे हम रिलैक्स हो सकते हैं, ये जापान ने कौन सी विधि निकाली और हमारे यहाँ कौन सी विधि चलती है, हमारे यहाँ कौन सी विधि चलती है। हमारे यहाँ तो प्रभु की कृपा है कि हमें आंखें मूंद कर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठना सिखाया जाता है, हमें मेडिटेशन सिखाई जाती है। इस कारण हम लोग लकी हैं इस मामले में, ठीक है। उसके बाद है बच्चे नेक्स्ट था कारतूस देशभक्ति, कि कैसे एक योद्धा अंग्रेजों को यहां से भगाने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर काम करता था। ओके नेक्स्ट संचयन थी हमारी, संचयन का हमने लेसन किया था हरी हर काका, जो मैंने बताया था दैट इज जस्ट अ फिल्मी स्टोरी, फिल्मी स्टोरी की तरह, पर इस रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे है बेटा, सच्चाई दुनिया की सच्चाई पे है कि कहते हैं जीते जी जब तक जान है अपनी प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी आगे आने वाले अपने वंशजों के नाम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम कर देते हैं तो जब चीज आ जाती है तो हम उसके लिए फालतू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये उसने हरिहर काका ने बीच में कहा, और उदाहरण किसकी दी थी, निष्ठा बता पाएगी बेटे, निष्ठा आर यू देयर, किसकी उदाहरण दी थी उसने, हरिहर काका ने किसके बारे में कहा था, सारे ही अपने क्या आप, मैम? किसकी उदाहरण दी थी हरिहर काका ने, कि मैंने उसे देखा है इसलिए मैं अपनी जायदाद किसी के नाम नहीं करूंगा, जीते जी। रूहानी, पता नहीं, रूहानी आप, सिमन, रूहानी, कीर्ति, प्राची, जैसिका, कोई भी बता सके अगर। यस मैम। मैम गांव के एक बूढ़े ने अपने नाम अपने गांव परिवार के की घर लिया। एक गांव के एक व्यक्ति का उदाहरण दिया है, जिसका बिसेसर की विधवा, बिसेसर नाम का एक व्यक्ति था, वो मर गया तो उसकी पत्नी ने अपनी जायदाद अपने बच्चों के नाम कर दी और बाद में उसे दो वक्त की रोटी भी नहीं मिली मिली, बिसेसर की विधवा, ठीक है। और वैसे भी इस लेसन में कहा गया है कि जब इंसान बिल्कुल मृत्यु के किनारे होता है ना तो उसका मोह भंग हो जाता है, मतलब जब एक्सट्रीम हालत हो जाती है, जब इंसान किसी सिचुएशन की एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है तो वो बहुत समझदार हो जाता है, मतलब उसके मन में होता है मैंने कोई फर्क नहीं पहना जो होता हो। ऐसा ही हमारे हरिहर काका के साथ हुआ, महंत ने धोखा दिया, भतीजों ने धोखा दिया, पुलिस तक बात पहुंची तो पुलिस मजा कर रहे हैं, पुलिस के लोग मजा कर रहे हैं, तैनात हैं, खाना बन रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं ना, और वो अकेला हो गया, आइसोलेटेड हो गया। ओके और अकेला हो जाना अपने आप में एक बड़ी समस्या है। और अगर आप सबका व्यू चाहूंगी मैं, अगर सपोज उस समय भी मीडिया होता जिस समय ये कहानी लिखी हुई है तो क्या होता, तो क्या तो हालात। मैम हरिहर काका के साथ अन्याय ना होता, उनको मतलब मिल जाता कैसे मतलब न्याय मिलता बताओ ना, एक्सप्लेन दैट, कैसे न्याय मिल जाता अगर मीडिया होता तो, आपको क्या लगता है न्याय मिल जाता है मीडिया हो तो। मैम मे बी अवेयरनेस, लाइक उनके केस की अवेयरनेस लोगों के बीच में फैलते हो, लोग उनको लाइक सॉल्यूशंस देते, तो फिर मे बी ऐसे उनका हल निकलता उनकी प्रॉब्लम का। भी उनका हल निकला था, क्या हल निकलता बताओ जरा, क्या हो सकता था हल अगर मीडिया होता, मीडिया उनकी बात उछाल देता कि देखो जी महंत ऐसा है, हाँ देखो जी भाई के बेटे ऐसे हैं, तो क्या हाल निकलता बताओ, बोलो ना मुझे बताओ क्या हाल निकलता, मीडिया होता तो क्या होता, मीडिया तो सिर्फ बात उछाल सकता है,
मीडिया तो दो विजन दिखा सकता है। आपको पता है मीडिया क्या काम करता है? मीडिया क्या काम करता है? आई कैन शो यू, जस्ट वेट। मीडिया का काम क्या होता है, एक मिनट रुकिए, ये देखिए, लुक एट दिस पिक्चर। कैन यू सी दिस? नजर आ रही है? यस मैम। देखो क्या देख रहे हो इस पिक्चर में आप? नेगेटिव व्यू, पॉजिटिव मैम? मीडिया ये दिखाता है, मीडिया ये दिखाता है बच्चे, होता ये है, होता ये है, मीडिया दिखाता ये है हमें, होता कुछ है, मीडिया दिखाता कुछ है बच्चे। किसी ने बचाने के लिए पकड़ा, मीडिया जो दिखाता है वो ऐसा लगता है जैसे वो मार रहा है। मेरी बात समझ में आई आपको क्या कह रही हूँ? Yes, ma'am. यानी किसी ने किसी को हेल्प करने के लिए हाथ उठाया, मीडिया उसे एंगल बदल के ये दिखाता है कि इसने इसे मारा। मीडिया तो बहुत ज्यादा एक्सपोज करता है बच्चे। मीडिया कहाँ हेल्प करता है? जैसे पुलिस है वैसे मीडिया है। मीडिया कर्मी आके बल्कि इंसान को और दुखी कर देते हैं। हाँ, इसका एक पहलू ये भी हो सकता है कि मीडिया हमें नंगा ना कर दे इस डर से। शायद जो था महंत था वो शायद अपनी करतूत से बाज आ जाता और उसे हरिहर काका को छत्र छाया वास्तव में देनी पड़ती ना। भतीजे जो थे, हो सकता है वो कहें कि हमारा नाम उछलेगा गांव में, हमारी बदनामी होगी, तो हो सकता है उनके मन में भी हो जाता कि हम ढंग से उन्हें रखें। अदरवाइज मीडिया, इसी तरह मीडिया आता है, इसी तरह पुलिस होती है, पुलिस अपना मजा करती है, मीडिया वाले भी वहां बैठ के खाना खा रहे होते। हम दोनों पहलू लिख सकते हैं और हम दोनों पहलू ही लिखेंगे, ना नेगेटिव पूरा ना पॉजिटिव पूरा जब लिखना होगा, ठीक है? अगर मीडिया आता तो ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है हरिहर काका को न्याय मिल जाता। ओके, तो मैं देखूं अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है मेरे सामने, तो आई वॉन्ट टू रीड आउट दैट फॉर यू। लेट मी सी वंस। अगर मीडिया की कोई है क्वेश्चन तो मैं पढ़ना चाहूंगी। अच्छा, क्वेश्चन सुन लो पहले, मीडिया का आता है तो मैं उसकी भी बात करती हूँ। क्वेश्चन है, बना हुआ क्वेश्चन, जो सेल्फ फ्रेम क्वेश्चन है, वर्तमान समाज में हरिहर काका जैसे वृद्ध व्यक्तियों के प्रति युवाओं का क्या कर्तव्य है? वर्तमान समाज में हरिहर काका जैसे वृद्ध व्यक्तियों के लिए युवाओं का क्या कर्तव्य है? बोलेंगे कुछ एक आधी लाइन, एक आधी लाइन में? आपको पता है हर प्रश्न का उत्तर एक या दो लाइनों में समाप्त हो जाता है, उसे विस्तृत करना हमारी जिम्मेवारी होती है। तो इसका आंसर है कि युवाओं का कर्तव्य है कि इस अनैतिकता को रोकें। जिस माँ बाप ने बच्चों का पालन पोषण किया है, उन माँ बाप की इज्जत करना हमारा संस्कार है। उन्हें प्यार दें, उनकी सेवा करें। जिस प्यार से उन्होंने हमें बचपन में पाला है, वही प्यार उनको अपनी उम्र के इस पड़ाव पर मिलना चाहिए, ठीक है? ये आंसर है। अब इसको बड़ा करना हो तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, उनकी सेवा करें, उनका ध्यान रखें, उन्हें थोड़ा समय दें, उनके पास बैठें, उनकी बातें सुने, उनके दुख बांटें, ठीक है, मानसिक तौर पर उनका दर्द बांटें, ये सारा कुछ आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, हरिहर काका एक नए शोषित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में दिखाई देते हैं, इस कथन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। क्वेश्चन दोबारा सुनिए, हरिहर काका एक नए शोषित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में दिखाई देते हैं। किसको क्वेश्चन समझ आया? तीन रिपीट कर दो। सुनो सुनो, हरिहर काका
एक नए शोषित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में सामने आते हैं। इस कथन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। कि मैम वो अवेयर है अपने राइट्स के बारे में, ऐसा कुछ ना 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 ना, ना, ना। आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। तीन शब्द बनते हैं, शोषण, शोषित, शोषक। शोषण मींस किसी को बहुत ज्यादा तंग करना, शोषित जिसका जिसको तंग किया जा रहा है, ठीक है, और शोषक जो तंग कर रहा है। ये तीन शब्द समझ में आ जाए तो आपको समझ में आएगी। जैसे अत्याचार, अत्याचारी और अत्याचार भोगने वाला, ऐसे ही शोषक है जो अत्याचार कर रहा है, शोषित जिस पर अत्याचार हो रहा है, शोषण अत्याचार। ओके, अब यहां है हरिहर काका एक नए शोषित वर्ग, खून चूसे जाने वाले वर्ग का प्रतिनिधि के रूप में सामने आए हैं। यानी समस्या आई हमारे सामने, हरिहर काका जैसे बूढ़ों के साथ अन्याय हो रहा है, एक नया ही ट्रेंड चलना शुरू हो गया कि बूढ़ों के साथ अन्याय हो रहा है। पहले नहीं होता था बेटा, ये अभी शुरू हुआ है थोड़ी पिछले कुछ सालों से। तो इस कथन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। अक्सर घरों में ऐसा हो रहा है, समय की कमी है सबके पास, कामकाजी होने के कारण बुजुर्गों पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, सिर्फ ध्यान होता है बुजुर्गों के पैसे की तरफ। और ये हालत हो चुकी है कि अब बुजुर्गों के लिए आश्रम खुल गए हैं, वृद्ध आश्रम, जो अच्छी सोच का नतीजा नहीं है। अपना घर होते हुए वृद्ध लोग वृद्धाश्रमों में रह रहे हैं, ये हमारे अच्छे संस्कार नहीं है। यहां से मैं पढ़ रही हूं, हरिहर काका के पास जमीन जायदाद है, उनका अधिकार भी वास्तविक तौर पर सीमित नहीं है, परंतु वे इस रूप में भी एक नए शोषित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में दिखाई देते हैं कि उनके सके भाइयों के परिवार और सामाजिक व्यवस्था ने उनका स्वार्थ सोचने के लिए उन्हें शोषण का शिकार कर छिन्न मनोवृत्ति वाला बना दिया है। इस तरह संपत्ति और अधिकार, संपन्न और स्वतंत्र होते हुए भी हरिहर काका परिवार, धर्म और समाज द्वारा शोषित एक नए वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यानी अपना पैसा, अपना सब कुछ होते हुए भी एक नई ही बात आ गई कि उसे यूज नहीं कर पा रहे वो, ठीक है। तो अगला है कहानी में महंत जी का चरित्र चित्रण, वो तो बहुत सरल है। एक स्थान पर हरिहर काका ने कहा, मैं मर जाऊंगा लेकिन जीते जी एक धुर जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा, तुम सब ठाकुर बाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं। हरिहर काका ने ऐसा कहने के पीछे कौन सा दर्द था, तथा क्या हरिहर काका की आप इस बात पर सहमत है? बिल्कुल सहमत है, क्योंकि हरिहर काका ने उदाहरण देके अपनी बात स्पष्ट कर दी, विशेषर की विधवा की, कि एक बार पैसा अगर बच्चों के हाथ लग जाए तो बच्चे माँ बाप को पूछते नहीं, ठीक है। इसी को एक्सप्लेन करेंगे आप। सबके मन में ये बात है कि हरिहर काका कोई अमृत पीकर तो आए है नहीं, एक ना एक दिन उन्हें मरना ही है। इससे गांव वालों की किस मनोवृत्ति का पता चलता है। गांव वालों को लगता है ना, जिन गांव वालों को लगता है, मैंने कल बताया था ना आपको कि गांव वाले दो हिस्सों में डिवाइड हो चुके हैं। एक कहते हैं महंत को दे दो जमीन, मंदिर को दे दो, स्वर्ग में जाओगे सीधा। दूसरे कहते हैं नहीं नहीं, अपने परिवार को देनी चाहिए, परिवार की जमीन परिवार के पास रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कि गांव वाले कह रहे हैं हरिहर काका अमृत पी के तो आए नहीं, मरना तो एक दिन इनको है ही है, तो फिर जमीन ज्यादा तभी क्यों नहीं नाम लिखते, दो रोटियां ही खानियां है, कड़ियां औखियां खानियां, कोई भी दे देगा रोटी, जमीन ज्यादा तो अपने घर वालों को दे। इस मनोवृत्ति का पता चलता है। ओके, इससे गांव वालों की मनोवृत्ति का पता चलता है कि वह उनका सोचना कितना संकीर्ण है, उनकी सोच कितनी छोटी है। नेक्स्ट है कहानी के आधार पर मन, अच्छा ये हो गया। स्वार्थ लोलुपता की जड़ें समाज में फैल रही हैं। स्वार्थ लोलुपता, व्हाट डू यू मीन बाय स्वार्थ लोलुपता? स्वार्थ लोलुपता प्राची, स्वार्थ लोलुपता, स्वार्थ मीन्स मतलब, लोलुपता मीन्स लालच,
अपने मतलब के लिए सिर्फ लालच, समाज में सिर्फ यही फैलता जा रहा है। तो ये तो पता ही है ना, भाइयों का, महंत का, दोनों का एग्जाम्पल देके आप क्लियर कर सकते हैं। अब महंत है, ठाकुर बाड़ी का महंत है, उसको क्या लेनी है जमीन, लेकिन नहीं, ही वॉन्ट पब्लिसिटी, थोड़ा बहुत पैसा मेरे पास भी आ जाएगा, थोड़ी बहुत पब्लिसिटी, ठीक है, स्वार्थी है ना। और भाई जमीन है अपनी, पर कहीं किसी और को ना दे जाए इस शंका में, पहले ही मरने से पहले ही अंगूठा लगा दो। ओके, नेक्स्ट है, हाँ जी, हरिहर का कहानी के आधार पर ये बताइए कि महंत से समाज की क्या अपेक्षा होती है, क्या उम्मीद होती है समाज को महंत से, ये तो आप ही डिस्कस करेंगे, मैं नहीं बताऊंगी। ऑल आर इनवाइटेड टू डिस्कस दिस, महंत से लोगों की क्या अपेक्षा होती है। अनम्यूट योरसेल्फ, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, कि मैम महंत सही रास्ते पर हमें गाइड करेगा, सही रास्ते पर लेकर जाएगा। महंत धार्मिक, धार्मिक मानता है ना बेटा, धर्म, मैम कि वो उपाय बताएगा। धर्म वैर सिखाता नहीं है, धर्म लालच सिखाता नहीं है, धर्म हमें मोक्ष सिखाता है, धर्म हमें बंधनों में बंधने से मना करता है। तो महंत को तो उसके परिवार वालों को समझाना चाहिए था कि बुजुर्ग है भाई, उसकी सेवा किया करो, सारा कुछ तुम्हारे पास ही तो आना है। महंत का उसकी जायदाद पे तो नजर ही नहीं होनी चाहिए थी। महंत जो होते हैं, धार्मिक जो पहरेदार होते हैं ना बेटा, वो समाज को सुधारने के लिए होते हैं, ना कि खुद के लालच के लिए होते हैं। महंत को तो उसके भाइयों के बच्चों को बुलाकर सुधारना चाहिए था, बताना चाहिए था, ठीक है। तो महंत की ड्यूटी तो ये थी कि वो अंधविश्वासों को, पारिवारिक कलहों को खत्म कर सके, उनके लिए मार्गदर्शक बन सके, उनको रास्ता दिखा सके कि यू आर डूइंग रॉन्ग विद योर फादर, जिसने आपको पाला पोसा, इतना बड़ा किया, आप उसको दो वक्त की रोटी अच्छी नहीं दे सकते। ही इज द हेड ऑफ द फैमिली, वो आपके परिवार का मुखिया है, उसको खाना सबसे पहले मिलना चाहिए। महंत को तो इस तरह की बातें उन्हें समझानी चाहिए थी। ओके, ओके, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेसन, सपनों के से दिन। सपनों के से दिन, गुरदयाल सिंह पंजाबी राइटर, उसने कहा है कि बचपन के दिन जो होते हैं ना, वो सपनों की तरह होते हैं। बचपन की बातें जब याद आती है ना धुंधली धुंधली, तो बहुत अच्छा लगता है। गुरदयाल सिंह भी अपनी बचपन की बात याद कर रहा है। उसने दो तीन बातें याद की, एक तो उसने बात याद की कि बचपन में जब छुट्टियों का काम मिलता था तो हम कैसे छुट्टियों का काम नहीं करते थे, फिर बचने के उपाय सोचते थे, फिर दो थप्पड़ खा लेना आसान सौदा समझते थे। जब उसे इस कहानी का अपना बचपन के हॉलीडेज होमवर्क का याद आया, उस समय उसे अपना एक दोस्त भी याद आया जो था रेल बम्बा जिसे कहते थे, जिसका नाम था ओमा, ठीक है। अब ओमा के सारे करेक्टर, बड़ा सिर छोटा शरीर, जिसको मारता सिर से मारता, वो सारा हमारा आ जाएगा। ओके, फिर लेखक को याद आया, जब छुट्टियां होती थी हम लोग तालाब में बार बार छलांग लगाते, मिट्टी लगाते, पता नहीं कितनी बार, तैरना नहीं आता, यानी बचपन में इंसान कुछ भी खेल खेल सकता है। और जब बचपन में डिफरेंट कम्युनिटीज के अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग भी इकट्ठे हो जाए, तो बचपन के खेल में उनकी भाषा रुकावट नहीं होती, उनकी भाषा जो है वो रुकावट नहीं बन सकती, ये इसमें बताया। फिर लेखक ने ये बताया कि उस समय लोग ना पढ़ने में खास विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि खर्च होता था पैसा, वो खर्च नहीं सकते थे, बहुत थोड़ा पैसा खर्च होता था, वो भी पैसा खर्चना नहीं चाहते थे। लेखक कहता मैं पढ़ता गया, इसका कारण क्या था, जो हेडमास्टर मुझे पढ़ाने आते थे वो मुझसे एक क्लास आगे के बच्चे को भी पढ़ाते थे, तो उसकी पुरानी पुस्तकें मुझे मिल जाती, जिस कारण मैं पढ़ता गया, लेखक कहता है, ठीक है। अब लेखक को स्कूल जाना कभी पसंद नहीं आया, कारण दो कारण है, एक तो पुरानी पुस्तकें मिलना, एक वही पुराने अध्यापक जो समझते हैं कि आज पेपर दिए कल बड़े हो गए, हरफन मौला बन गए,
एक ही दिन में अगली क्लास में जाते जाते बच्चे हरफन मौला बन गए, ठीक है। और एक तीसरा, नए अध्यापकों का डर कि नए अध्यापक पता नहीं हमसे कैसा व्यवहार करेंगे। पुरानी किताबें, पुराने अध्यापक हमको हरफन मौला समझते हैं, नए अध्यापकों का डर। ये तीन कारण थे जिस कारण के गुरदयाल सिंह फुल कह रहे हैं, गुरदयाल सिंह कह रहे हैं कि हमें जाना अच्छा नहीं लगता था। ओके, फिर इसके बाद गुरदयाल सिंह को एक समय ऐसा आ रहा है जब उसने कहा ना मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, तो उसे एक दिन ऐसा भी याद आया जब हमें स्कूल जाना अच्छा लगता था। कब अच्छा लगता था? फिर उसे याद आए अपने पीटी सर प्रीतम सिंह जी, जो खाल उधेड़ते थे इंसान की, है ना, चमड़ी उधेड़ देने का कार्य करते थे, यानी बहुत सख्त थे, बहुत मारते थे बच्चों को। अब उनकी एक बात याद आ गई कि एक बार वो चौथी में फारसी पढ़ाने आए तो उन्होंने मुर्गा बना दिया ना, मुर्गा बना दिया, तो प्रधानाध्यापक वहां से निकले, उन्होंने कहा इज इट द राइट वे टू ट्रीट द फोर्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, तो उन्हें प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में बुलाकर मुअत्तल कर दिया। और उसके बाद एट्थ क्लास के, आठवीं क्लास के बच्चे कहते हैं कि उन्हें अपने हाथों पर छील छील कर बादाम रख के तोतों को खिलाते पाया गया, यानी ही वॉज हार्ड ऑन आउटर ग्राउंड्स एंड सॉफ्ट फ्रॉम इनर कोर, ठीक है, बाहर से वो सख्त था, अंदर से बहुत नर्म था। लेकिन सख्ती, आपको पता है, किसी को भी अनुशासन में रखने के लिए सख्ती का होना आवश्यक है। ओके, तो इसके बाद उन्हें उसकी याद क्यों आई? क्योंकि पीटी सर ने कभी किसी को शाबाश नहीं दी थी। तब जब पीटी सर पीटी करवाते, लेफ्ट राइट लेफ्ट 1 2 3 इस तरह की पीटी कराते, और बच्चे भी बड़े बड़े बूट पहनकर, यूनिफॉर्म पहनकर, हाथ में झंडियां लेकर लेफ्ट राइट लेफ्ट करते, तो उन्हें एक फौजी जवान होने का मजा आता। उन्हें लगता जैसे वो एक फौजी जवान है, उन्हें अच्छा लगता। और कहीं पीटी सर उस समय शाबाश कह देते तो बाकी सभी अध्यापकों द्वारा दी गई शाबाश से बड़ी शाबाश हो जाती, क्योंकि पीटी सर ने कभी किसी को शाबाश दी ही नहीं थी। वो उनका शाबाश कहना बाकी सभी अध्यापकों की शाबाश से बड़ा था। ओके जी, दिस इज द होल लेसन। इसमें पीटी सर की विशेषताएं, इसमें प्रधान अध्यापक की विशेषताएं, और इसमें ये भी होगा आप कैसा चाहते हैं, पीटी सर जैसे अध्यापक हो या हेडमास्टर जैसे अध्यापक हो, जिनकी छोटी सी चपेड़ ऐसा लगे जैसे सोन पापड़ी खा रही, जब जैसे पापड़ी खा ली हो, पापड़ी चाट खा ली हो, आप कैसा चाहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू पीपल एंड मी पीपल, आंसर शुड बी, देयर शुड बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ थिंग्स, है ना, क्योंकि अनुशासन कभी भी डर के बिना नहीं सिखाया जा सकता, ये तो पक्की बात है बेटा। अगर हमें परमात्मा की लाठी का डर ना हो तो हम परमात्मा को भी ना माने, परमात्मा को भी हम डर के मानते हैं। अगर वो डर के मानते हैं तो हम पढ़ाई भी डर कर ही कर सकते हैं। इसलिए स्कूल और विद्यार्थी के रूप में अनुशासन के लिए अध्यापकों का सख्त होना अति आवश्यक है। अति आवश्यक अलग अलग लिखेंगे या फिर लिखेंगे अत्यावश्यक है। ओके, लेकिन इतना क्रूअल कि खाल तक खींच ले अध्यापक नहीं होना चाहिए। वैसे भी आपको याद है ना, कहा है, किसने कहा है, कबीर जी ने कहा है ना, बाहर से अध्यापक जैसे कुम्हार की तरह होता है, अध्यापक बाहर से चोट करता है, अंदर से हाथ रखता है। जब कुम्हार बेटा बर्तन बनाता है ना गीली मिट्टी से, तो गीली मिट्टी के अंदर से हाथ रखता है, ऊपर से चोट करता है, तभी बर्तन अच्छा बनता है, ठीक है। तो आप उस दोहे को कहीं से ढूंढ के याद कर सकते हैं, क्या दोहा था, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काड़े खोट, भीतर हाथ संवार दे बाहर बाहे चोट। गुरु कुम्हार, गुरु जो है वो घड़ा बनाने वाले की तरह है, ठीक है, जो गड़गड़ काड़े खोट मिट्टी में आने वाले हर पत्थर को, हर कंकर को निकाल देता है, नहीं तो बर्तन अच्छा नहीं बनेगा, हर बुराई को निकाल के बाहर फेंक देता है।
भीतर हार्थ सहार दे, अंदर घड़े के अंदर हाथ डाल के उसे सहारा देता है कहीं ये टूट ना जाए, बाहर बाहे चोट और बाहर से उसे चोट मार के साफ करता है, निर्मल करता है, प्लेन करता है। गुरु की तुलना कुम्हार के साथ की गई है कि गुरु भी वैसा ही होता है। ठीक है बेटा, गुरु भी वैसा ही होता है। ओके, तो हमें मतलब टीचर जो है, जो अध्यापक है, वो सख्त भी होना चाहिए और नर्म भी होना चाहिए, उसमें दोनों गुण होने चाहिए। इसके बाद है सपनों के से दिन। मुझे लगता है अगला लेसन तो कल ही शुरू किया जाए, या नेक्स्ट में, नेक्स्ट जब क्लास होगी तभी शुरू करेंगे, बिकॉज टाइम इज लेस नाउ। इसका नेक्स्ट लेसन अभी थोड़े दिन हुए हमने किया है, तो फिर लघु कथा के बारे में थोड़ा सा एंड, फिर लघु कथा बेटे, लघु कथा है शॉर्ट स्टोरी। ओके, शॉर्ट स्टोरी कोई भी टॉपिक आ सकता है, जर्नल ब्लैंक्स में आ जाए, या कोई थोड़ा सा स्टार्टिंग लाइन दी जाए, या कुछ भी लिखा हो, परोपकार पे एक छोटी कहानी लिखो तो आप अपने आप छोटी कहानी लिखेंगे, समय के सदुपयोग पे कहानी लिखो तो आप कहानी लिख सकते हैं, कोई कहानी छोटी सी, आपको लघु कथा लिखनी आनी चाहिए। ओके, लघु कथा में है शॉर्ट स्टोरी। ऐसा भी हो सकता है कि एक बार एक लड़की थी, है ना, जो अकेली पहाड़ चढ़ रही थी। अब आगे कहानी लिख दो, इस तरह भी आ सकता है या वैसे भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको शॉर्ट स्टोरीज पढ़ते रहना चाहिए, या जो इंसिडेंट होते हैं उन इंसिडेंट्स को हर समय दिमाग में रखना चाहिए, हाजिर होना चाहिए, तभी हम इन स्टोरीज का जवाब दे पाएंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।